2005 के पहले जिसको मौका मिला कोई काम किया था जी। आज कितना ज्यादा हम लोगों के लिए कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं, कता हम कर वो कुछ करवाया है। यानी अपने हटे तो पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया तब बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, सब कुछ कहे कोई मतलब है? हम लोग कोई परिवार को करते हैं, हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं। कोई ब्याह कर लिया, कोई शादी कर लिया, कोई जेल में रहे, कुछ हो रहे, ये सब कोई मतलब है? ये कांग्रेस पार्टी में भी क्या हुआ? आजादी की लड़ाई लड़ी शुरू में जो रहे, अब बाद में एक एक करके परिवारे के लोग आ रहे हैं। जब हम लोग आए तब ना हम लोगों ने सुधार किया, लेकिन बाद में हम देखा कि सब गड़बड़ कर रहे हैं तो हमने तो छोड़ दिया, अलग हो गए। जान लीजिए कि 2005 से हम लोगों को काम करने का, 5 के नवंबर से, और आप समझ लीजिए कि उसके पहले क्या हाल था। जो आज बहुत अपना प्रचार करते रहते हैं तो क्या करते हैं, कोई काम है? हम ही बनवा दिए थे शुरू में, लेकिन बाद में हम देखा कि सब गड़बड़ कर रहे हैं तो हमने तो छोड़ दिया, अलग हो गए थे। और आप समझिए, अपने हड़ गए हटे 7 महीना में, और उसके बाद बीबी को बनवा दिए। अरे तब बना था लोग परिवार के लिए, यानी अपने हटे तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, तब बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, सब कुछ कहे कोई मतलब है? आप जरा बताइए, हम लोगों को देखे हैं आज तक? हम लोग कोई परिवार को करते हैं, हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, और ये लोग अपने परिवार के चलते काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में भी क्या हुआ? आजादी की लड़ाई लड़ी शुरू में जो रहे, अब बाद में एक एक करके परिवारे के लोग आ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों पर ध्यान दीजिए। और हम लोग जो कहते हैं कि पूरा बिहार हम लोगों के लिए एक परिवार है, लेकिन ये लोग अपना अपना ढंग से काम करते हैं, सब पर ध्यान दीजिए। कोई भी करने का, आप कितना काम किए हैं ललन बाबू, आप समझिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, एक एक काम इन्होंने किया है, और ये प्रदेश में भी मंत्री रहे, आ कितना काम किए जो भी इनको काम करने का मौका मिला। और आज भी जब आप वहां बने हुए हैं यहां पर, तो उसके चलते लोकसभा क्षेत्र में भी ये सब जगह के इलाके का कितना काम, एक एक जगह के बारे में पूरी बात जानते, तो इसलिए ऐसे लोगों को करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, 2005 के पहले जिसको मौका मिला कोई काम किया था जी, शाम में कोई घर से निकलते थे, डर के मारे कोई आदमी घर से नहीं निकलता था। सारी इतनी बड़ी संख्या में बहने हैं, महिलाएं हैं, याद करिए, घर से कोई निकलता था? जब हम लोग आए तब ना हम लोगों ने सुधार किया, आ क्या हालत था, कोई काम करता था? आ कितना ज्यादा विवाद था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होते रहता था, और स्वास्थ्य का क्या स्थिति था, कोई ठीक ढंग से काम नहीं होता था, कहीं सड़क नहीं था, कहीं बिजली नहीं था, तो क्या स्थिति थी? जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 से जो काम करना शुरू किया, सबसे पहले हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा का पूरा काम करवाना हम लोगों ने शुरू करा दिया। कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम शुरू हुआ यहां, याद करिए, पहले कितना कमजोर स्थिति थी, और अब किसी भी प्रकार का डर और भय का वातावरण नहीं है। प्रेम भाई चुनाव लड़ने के लिए आता है, और यहां भी कोई चुनाव लड़ रहा है, उस सब का कोई मतलब है जी? कोई ब्याह कर लिया, कोई शादी कर लिया, कोई जेल में रहे, कुछ हो रहे, ये सब कोई मतलब है? इसी तरह से एक एक चीज याद रखिएगा, हम लोग तो समाज के सब हित के लिए काम करते हैं, किसी को छोड़े हैं? समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो आप बताइए, जिसको हम मौका दे दिए तो जो गड़बड़ किया तब ना हम फिर हटा दिए जी? अब आजकल बोलते रहता है, आज कितना ज्यादा हम लोगों के लिए कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं, कता हम कर वो कुछ करवाया है।
ये सबको बताया था, इसीलिए एक एक तरह से नजर रखिए, इन लोगों का कोई चीज नहीं। और आपने हाथ उठा करके कह दिया है तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, और आप भारी मतों से विजयी बनाइए।